मशहूर सिंगर केके का कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के कुछ देर बाद ही निधन। सर गुरुदास महाविद्यालय में था शो। 53 साल के केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत। निधन पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताया शोक, बताया संगीत के क्षेत्र में बड़ा नुकसान। डॉक्टरों के मुताबिक शुरुआती जांच में दिल की धड़कनें थमने से हुई मौत। आज पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह आएगी सामने। लास्ट कॉन्सर्ट की वीडियो में केके परफॉर्मेंस के दौरान दिखे थे बेचैन, कई बार पसीना पोंछते दिखे थे सिंगर केके। कॉन्सर्ट से होटल पहुंचते ही केके की तबीयत बिगड़ी, चक्कर खाकर गिरने के बाद निजी अस्पताल में ले जाए गए। रात 10 बजे डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। केके के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर। टीएमसी सांसद और सिंगर बाबुल सुप्रियो, संगीतकार जीत कांगुली, बंगाल सरकार के मंत्री अरूप विश्वास पहुंचे अस्पताल। कुछ देर पहले तक केके के गानों पर झूम रहे फैंस का अस्पताल के बाहर लगा जमावड़ा, बोले यकीन नहीं हो रहा केके नहीं रहे। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प के इस दिल से गाने से मिली थी पहचान। ओम शांति ओम का आंखों में तेरी अजब सी अदाएं जैसे गानों को दी मखमली आवाज। 200 से ज्यादा गाए हिंदी गाने, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम मराठी और बंगाली फिल्मों के गाने गाकर भी कई सालों तक केके ने जलवा बिखेरा। कॉन्सर्ट के लिए 2 दिन के लिए कोलकाता आए थे केके। सोमवार को विवेकानंद कॉलेज में भी किया था परफॉर्म, मंगलवार को था केके का दूसरा और आखिरी कॉन्सर्ट। आज दिल्ली हाईकोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस कस्टडी को लेकर सुनवाई। वकील ने एनकाउंटर के डर से लगाई अर्जी, पंजाब पुलिस को नहीं सौंपने की मांग। सिद्धू मूसेवाला केस के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई पर कसा शिकंजा, कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गैंगस्टर को 5 दिन की कस्टडी में लिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के पहले का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कह रहे हैं उन्हें कुछ लोग फोन कर डराते हैं पर वो डरने वाले नहीं। हरियाणा के फतेहाबाद में पंजाबी गायक मनकी रतौलक ने मूसेवाला मर्डर केस में नाम घसीटे जाने के बाद ही सफाई। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जताई संवेदना। कल सिद्धू मूसेवाला की हत्या का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। हथियारों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां, सफेद रंग की कार में सवार थे हमलावर। पंचतत्व में विलीन हुआ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का पार्थिव शरीर। मानसा में पैतृक गांव के खेत में हुआ अंतिम संस्कार। ट्रैक्टर से निकाली गई सिद्धू की अंतिम यात्रा, समर्थकों ने लगाए नारे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, दूर दूर से अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोग। लुधियाना के गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में मूसेवाला को दी गई श्रद्धांजलि। सिद्धू ने यहीं से की थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला के गर्भगृह के निर्माण का करेंगे शुभारंभ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे साथ। हनुमान जन्मस्थान को लेकर नासिक में संतों के बीच मारपीट, रिपोर्टर का माइक छीनकर एक दूसरे पर हमला। धर्म संसद में तय नहीं हो सका कहां जन्मे बजरंगबली। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में घमासान, कई राज्यों के नेताओं ने बाहरी नेताओं पर उठाए सवाल। अपनी ही पार्टी पर बिफरे कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा मैं कुछ ऐसे नेताओं को जानता हूं जो हिंदू शब्द से नफरत करते हैं। हैदराबाद में कांग्रेस ने चारमीनार में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की मंजूरी मिलने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान के जरिए भी मांगा समर्थन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर ईडी का शिकंजा, 9 जून तक कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को कस्टडी में भेजा। सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज मामलों को अरविंद केजरीवाल ने बताया फर्जी, बोले हम देश के साथ नहीं कर सकते गद्दारी। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं, सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। वाराणसी कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का सर्वे की कॉपी वाला लिफाफा लेने से किया इनकार, वीडियो लीक होने के चलते अदालत पहुंची थी महिलाएं। वीडियो लीकेज मामले में 4 जुलाई को सुनवाई करेगी वाराणसी की जिला अदालत, दोनों पक्षों ने की थी कार्रवाई की अपील।
सर्वे वीडियो लीक होने के मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ ने कोर्ट में दी सीबीआई जांच की अर्जी। कोर्ट ने 4 जुलाई को तय की अगली सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में ओवैसी ने फिर दागे सवाल, कहा पूजा स्थल कानून के रहते कैसे हो सकती है कानूनी कार्रवाई। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में 16 जुलाई को अगली सुनवाई। कल हिंदू पक्ष ने रखा अपना पक्ष। हिंदू पक्ष की ओर से पूरे परिसर की सर्वे कराने की हो रही मांग। ईदगाह वाली जगह पर असली जन्मस्थान होने का दावा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में बीजेपी का मेगा शो। रिज ग्राउंड में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त, कहा 2014 के बाद बदले देश के हालात। अब सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया, अब सरकार सेवक है सेवक। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा पहले 100 पैसा भेजने पर 85 पैसा हो जाता था लापता। रिज मैदान पर कार्यक्रम से पहले शिमला की सड़कों पर पीएम मोदी का रोड शो, भारी तादाद में जुटे समर्थक। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने गाड़ी रोककर एक लड़की से स्वीकार की भेंट। लड़की ने बनाई थी प्रधानमंत्री की मां की पेंटिंग। बजट पर चर्चा के दौरान यूपी विधानसभा में योगी का अखिलेश पर पलटवार। दुष्यंत कुमार की कविता के जरिए बोले, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा नेता प्रतिपक्ष पर भैंस के दूध का असर, उन्हें गोबर से आती है बदबू। सीएम योगी ने राहुल से की अखिलेश यादव की तुलना, कहा राहुल देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप यूपी के बाहर यूपी की बुराई करते हैं। महाराष्ट्र से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी ने किया नामांकन, कहा मेरी उम्मीदवारी से पार्टी में कोई नाराज नहीं। कर्नाटक से है राज्यसभा उम्मीदवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कल दाखिल करने पहुंची नामांकन। उत्तराखंड के चंपावत में विधानसभा उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं बीजेपी से उम्मीदवार, 64% से ज्यादा पड़े वोट। पुरुलिया दौरे पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी की नगर पालिका चेयरमैन से दिलचस्प बातचीत, चेयरमैन के मोटापे को लेकर दीदी ने जताई चिंता। जनसुराज यात्रा से पहले बिहार के दौरे पर निकले प्रशांत किशोर, हाजीपुर में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा साथ गया तो मैं भी डूब जाऊंगा। महाराष्ट्र के बारामती में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना पर कसा तंज, कहा शिवसेना ने पूर्व सांसद संभाजी राजे के साथ किया अन्याय। बिहार के जमुई की वायरल गर्ल सीमा के घर पहुंची केंद्रीय टीम, दिव्यांग छात्रा के कृत्रिम पैर लगवाएगी सरकार, कानपुर में निःशुल्क प्रशिक्षण। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव को पटना में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। पंजाब के फरीदकोट में जूती बनाने वाले के बेटे का कमाल, यूपीएससी में 218वीं रैंक लाकर बढ़ाया परिवार का मान। महाराष्ट्र के बारामती में मूसलाधार बारिश, देर रात बिजली कड़कने के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की कायराना हरकत, कुलगाम में हिंदू महिला टीचर को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। जम्मू के सांबा की रहने वाली थी रजनी बाला, आखिरी संस्कार के लिए पैतृक गांव में लाया गया महिला टीचर का पार्थिव शरीर। महिला टीचर की हत्या के बाद राहुल भट्ट के परिजनों ने जाहिर किया गुस्सा, कहा कब तक खूनी खेल पर खामोश रहेंगे हम। महिला टीचर रजनी बाला की हत्या के खिलाफ जम्मू से लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों ने जमकर की नारेबाजी। कुलगाम में महिला टीचर की हत्या पर सुलगी सियासत, महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा तमाम दावों के बावजूद बढ़ रहा है टारगेट किलिंग। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मामूली विवाद में लड़के की हत्या, सुभाष चौक का मामला, तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। पटना में डबल मर्डर से हड़कंप, बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार, इलाके में तनाव। शुरुआती जांच में गैंगवॉर में हत्या का शक, एसएसपी के मुताबिक 2 गैंग के बीच आपसी रंजिश में हत्या, पांडव गिरोह पर हत्या का आरोप।
महाराष्ट्र के डोंबिवली में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, बाद में की खुदकुशी। प्रेमिका की सगाई किसी और से होने से था नाराज। राजस्थान के बाड़मेर में 11वीं में पढ़ने वाले छात्र के साथ दो युवकों ने किया दुष्कर्म। एट्रोसिटी और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। एमपी के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने मारी सड़क पर खड़े स्कूटरों में टक्कर, हादसे का लाइव वीडियो वायरल। बीच सड़क पर बात कर रहे थे स्कूटर सवार, हादसे में चार लोग घायल। तानसेन नगर के शिव शक्ति मंदिर के पास की घटना। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक बस हादसे का शिकार, 9 लोग घायल, नजदीकी अस्पताल में कराए गए भर्ती। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद पाया काबू, आग की वजह फिलहाल साफ नहीं। हैदराबाद में कांग्रेस ने चारमीनार में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की मंजूरी मिलने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। गुरुग्राम में 2 विचाराधीन कैदियों के फरार होने में नया खुलासा, पुलिस वालों ने ही रची थी साजिश। कानपुर के कल्याणपुर में शराब सेल्समैन की बाइक में रखे 3,86,000 कैश लेकर चोर फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। बहराइच में एक महिला ने अपने प्रेमी की 4 साल की बेटी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी, शादी नहीं करने से थी नाराज, आरोपी महिला और उसके माता पिता गिरफ्तार। एमपी के दतिया में सराफा व्यापारी की हत्या के आरोपियों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज के सहारे जांच चल। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जागरूकता कार्यक्रम, कवि सम्मेलन का भी आयोजन। बिहार के हाजीपुर में मस्जिद में नमाज के दौरान बवाल, मस्जिद में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। लोगों ने कुर्सियां भी तोड़ी, पुलिस के दखल से शांत हुआ मामला। महुआ के रामपुर डबरू में जामा मस्जिद की नई कमेटी को लेकर हुआ विवाद। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह की कार पर हमला, कई राउंड फायरिंग में बाल बाल बचे किसान नेता, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा के गवाह हैं दिलबाग। अलीगढ़ के एसवी डिग्री कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने वाले प्रोफेसर को हंगामे के बाद 1 महीने की छुट्टी पर भेजा गया, हिंदूवादी नेताओं ने कैंपस में हनुमान चालीसा पढ़ने की दी थी चेतावनी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में चली ताबड़तोड़ गोलियां, पार्किंग विवाद को लेकर हुए झगड़े के बाद वर्चस्व की लड़ाई, आरोपी फरार। सोमनाथ मंदिर पहुंचे अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, आने वाली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की कामयाबी की मांगी दुआ। गुजरात के राजकोट में सदगुरु जग्गी वासुदेव का भव्य स्वागत, मिट्टी बचाने के लिए बाइक से चला रहे हैं अभियान। गोरखपुर में हजरत मुबारक खान शहीद दरगाह में मना उर्स, जायरीनों ने अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने चलाया सफाई अभियान, पीएम मोदी ने मन की बात में धार्मिक स्थलों को साफ रखने का किया था जिक्र।